बहुत अच्छी गेंद अपने खड़े देकर गेंद रोकने की कोशिश की बल्ली की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लॉन्ग आउट की तरफ गेंद जाई और इसी दरमियान एक और रन जोड़ दिया है टीम के टूट। बहुत अच्छा एक्चुअली, आई एम योर एक्चुअली, मेरे बहुत दोस्त खेल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, सो मेरे हस्बैंड भी खेल रहे हैं एंड सो आई रियली डोंट नो विच टीम टू सपोर्ट, क्योंकि ऑल माय फ्रेंड्स आर हियर जिनको मैं सालों से जानती हूँ, सो इट्स ऑलवेज फन और क्रिकेट तो मज़ा ही आता है देखने में। एंड ये आज मतलब जो मैचेस चल रहे हैं मुझे ये लोग सब एक्टर्स कम क्रिकेटर्स ज़्यादा लग रहे हैं, इतने अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, सो इट्स गुड फन। ओके, आप अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो किससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं या किसको आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? ऑब्वियस आंसर है बट विराट कोहली, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सो या। ओके, इसके अलावा यहाँ पर किसी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं या जो आपके पसंदीदा जो अच्छे खेल रहे हैं? देखिए, सपोर्ट तो मैं होल हार्टेडली दिल्ली टाइटंस को कर रही हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड भी हैं और उनके जो कैप्टन हैं मानव मेरे को स्टार भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो दिल्ली टाइटंस डेफिनेटली। बट जैसा मैंने कहा कि बहुत टीम्स हैं जिनमें मेरे दोस्त हैं एंड दी अदर टीम दैट आई वुड ट्रूली सपोर्ट इज वरुण बडोला की जो टीम है चेन्नई, सो या दीज आर द टू टीम्स। बिग बॉस में मेरे बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं एजाज खान, बहुत ही करीबी दोस्त है मेरे, सो या आई एम ऑब्वियसली वोटिंग फॉर हिम एंड होपिंग दैट ही विंस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो फाइनल्स तक जरूर पहुँचे। इसके अलावा कोई दूसरे कोई स्टार आपको लगते हैं जो काफ़ी बात की जा रही है जैस्मिन की जो अली के साथ है उसको लेके या रूबीना के बारे में कुछ कहना चाहिए? ये कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल ना मुझसे जब पूछते हैं तो, बट आई बेसिकली फील कि जैस्मिन के बारे में मैं जैस्मिन को जानती नहीं हूँ बिल्कुल भी, आई हैव नेवर मेट हर इन माई लाइफ, पर जितना भी मैंने बिग बॉस में देखा है मुझे वो थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी एंड आई एम श्योर उनके रीजंस होंगे उस घर में जाकर, आई थिंक यू नो माइंड गेम्स अलग ही होते हैं, बट मुझे वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी एंड आई थिंक एजाज के साथ उन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव किया है एंड आई थिंक एज एक्टर्स हमने यही सीखा है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इरिस्पेक्टिव, क्योंकि कल आप सीनियर्स होंगे और आप जो नए एक्टर्स आएंगे अगर वो आपको रिस्पेक्ट ना दें तो हाउ वुड यू फील, सो आई थिंक दैट इज़ माई दिस थिंग कि यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट हिम। राखी सावंत आई लव, आई एम सो ग्लैड कि वो बिग बॉस में आई, शी इज़ अ ट्रू एंटरटेनर एंड वो इतनी मज़ेदार है मतलब, एंड आई थिंक शी इज़ द मोस्ट क्लीन हार्टेड पर्सन वहाँ पर, वो जब मतलब अपनी अच्छाई बुराई आप जो भी कर लो वो सब दिल से लेती हैं, दिल से एक्सेप्ट करती हैं और दिल से देती भी हैं जो भी देती हैं, सो आई टोटली लव हर। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, आज हमारा रात का मैच है। ओके, कितनी तैयारी की आपने, काफ़ी वार्म अप किया? नहीं, अभी तो थोड़े से नेट्स किए, कल हमने ऑलरेडी मैच खेला है तो हम लोगों ने थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं और मैच से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। कुछ डर है मतलब अपने कॉम्पिटिटिव टीम से के साथ कुछ आपने क्या है मतलब? नहीं, हम डर के नहीं खेलते, हम शेरों की तरह खेलते। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट टीम के आप किसके लिए? यार अब डिपेंड करता है, मुझे कई प्लेयर्स, मुझे युवराज बहुत पसंद था, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, अब वो खेल नहीं रहे तो और भी दो तीन प्लेयर्स हैं जैसे राहुल खेलता है मुझे अच्छा लगता है, सैमसन की बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। किस तरह की आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, इसके पहले आपने प्रैक्टिस किया होगा? यार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई, यही एक प्रॉब्लम है, दो तीन ही सेशन हुए, लेकिन जितनी भी कर सकते थे हम लोगों ने पूरी कोशिश की और बाकी हम कोशिश करेंगे ग्राउंड में अच्छे से परफॉर्म। पहले आपने कितना क्रिकेट खेला है मतलब बचपन की अगर हम? मेरा बचपन का सपना ही क्रिकेटर बनने का था, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है और आपको पता ही है BCL में हम स्टार, सो क्रिकेट तो मेरा बचपन से ही पैशन है। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बिग बॉस, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता वो क्या है और ना मुझे जिस तरीके से वहाँ बिहेव करते हैं, जब व्हेन यू फील हेल्पलेस समबडी इज टॉकिंग टू यू और यू कांट रेस्पॉन्ड प्रॉपरली और आपको चुप रहना है और वो पता है आपको वो गलत बोल रहा है फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो आई डोंट वॉन्ट टू फील दैट हेल्पलेस इन माई लाइफ एंड आई कांट टेक इट। मैं जाट आदमी हूँ, मेरा हाथ पहले चलता है। आपको कोई फ्रेंड्स है वहाँ इस समय?
ऐसे तो बहुत सारे लोग, सुयश भी मेरा फ्रेंड है, ये भी था वहाँ, केशवर भी, अभी अली गोनी है जिसे मैं जानता हूँ, पवित्र पुनिया है यार, वो शो है, शो के लिए करते हैं, जनरली इन लाइफ इज़ वेरी चिल्ड आउट, तो शो के लिए कभी कभी क्या होता है, शो के लिए भी लोग यू नो। क्या लगता है आपको जैस्मिन और अली की जो बारे में कहा जा रहा है, तो दोनों की नफरत है, शादी होगी या शो के लिए? यार आई हैव नो आइडिया, अगर उनके बीच में असली प्यार है तो आई विश देम लक, मैं तो चाहूँगा यार एक हो जाए, क्या प्रॉब्लम है। क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अली को? बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा यार, दोस्त है मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या क्या करने वाले आज आप अपनी टीम को? टीम ऑलरेडी एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड हैं पूरी लीग को लेकर, और आज का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी प्लेइंग अगेंस्ट अहमदाबाद, सॉरी वी प्लेइंग अगेंस्ट चेन्नई टुडे, और कुछ अलग नहीं करना है, बस बेसिक क्रिकेट खेलना है, और आई थिंक उसी में से नतीजा निकलेगा, बिकॉज हाँ जी। कितना प्रिपरेशन किया आपने? प्रिपरेशन किया हुआ है जितना ज़रूरी है उतना, सारे बॉयज का मनोबल से लेकर फिटनेस के लेकर, आई थिंक दोज बेसिक थिंग्स दैट वी वर्क ऑन, बाकी उससे ज़्यादा वी प्लेइंग टू हैव फन राइट। इससे पहले कितने देर से आपने तैयारी शुरू की, प्रैक्टिस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिस में क्या क्या किया? प्रैक्टिस में रेगुलर सेशंस रहे सभी के लिए, तो वो किए, उसके अलावा टीम मीटिंग्स किए हैं, साथ में मिलकर एक यूनिट बनाने के लिए जो होता है वो सारे बॉयज साथ में आगे हैविंग फन वाला भी जोन था थोड़ा सा, सो वो सब किया है जो ज़रूरी है इतने टाइम में, जितना हो सका उतना किया हम सब। और सर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब सीरियल भी करना और ये भी करना? मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत सपोर्ट है मेरे पास प्रोडक्शन का भी, सो बहुत पहले बता के रखा था डेट्स हैं, और दिलीप का भी सपोर्ट है, और जब जब नियत होती है ना तो काम हो ही जाता है, क्रिकेट को लेकर नियत इतनी स्ट्रांग है कि अपने टीम। आपके कौन है फेवरेट क्रिकेट इंडियन, अगर हम इंडियन टीम में इस वक्त तो आई एम लविंग द स्पिरिट ऑफ हार्दिक पांड्या, बहुत अच्छी फिटनेस, एटीट्यूड और टैलेंट सबका मिश्रण बहुत अच्छा है हार्दिक। और इसके अलावा अगर हम बात करें बिग बॉस में, आप कम से कम आप पसंद कर रहे हैं या आपके कई सारे टेलीविजन फ्रेंड्स गए? मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, क्यों देखना चाहिए? नहीं मतलब बस आप सारे टेलीविजन एक्टर देखते हैं, हर कोई जाना चाहता है। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं अपना सीरियल भी नहीं देखता हूँ, टाइम नहीं मिलता, जितना टाइम मिलता है परिवार के साथ बिताऊंगा कि बिग बॉस देखूंगा, आप बताइए। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। क्या क्या करते हैं आप? सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, धमाल करते हैं, क्रिकेट खेलते, क्या क्या करते हैं? मुझे जो मौका मिलता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इट्स लाइक जो आपको चांस मिले, जब आपको जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो कर लेनी चाहिए, एंड क्रिकेट इज समथिंग विच गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, तो जब जब मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का मैं पहुँच जाता हूँ। एक बार फिर से आ गया, मल्टी टैलेंटेड है आप? हाँ मतलब आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, बट नहीं ऑफ कोर्स आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ क्रिकेट में कुछ ज़्यादा मजा आता है। किस तरह की तैयारी की आपने थोड़ा कुछ? तैयारी बहुत है, मैं कल का मैच नहीं खेल पाया था, मैं पहले अनफिट था, बट आई हैव कम टुडे एंड मैंने प्रैक्टिस किया है, वार्म अप किया है, आई एम फीलिंग मच बेटर, सो आई एम होपिंग आई एम गोना प्ले टुडेज मैच एंड अच्छा रहेगा, कल मैच हारे हैं सो नेक्स्ट दोनों जीतने कंपलसरी हैं, सो वी जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। इसलिए आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की? हाँ मैंने बहुत सारी, आते आज मैं जल्दी आ गया था, मैंने कैप्टन को प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आ गया प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने की है, सो लेट्स सी व्हेन आवर बॉस। बिग बॉस काफ़ी चल रहा है, आपकी राय तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो बोलते हैं भाई, मतलब यार सी आई लव अली इन द हाउस, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो, बट जैसे मुझे रूबीना बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी बीच में, बट अभी वापस थोड़ा सा उनका लग रहा है आई थिंक, बट आई थिंक वो उस घर का वो है, एक कैरेक्टर है कि कोई किसी हफ्ते बहुत ऊपर होता है फिर कोई बिल्कुल नीचे जाता है, सो वो ऑप्शन डाउन जाते रहते हैं, बट आई थिंक अली इज़ डूइंग रियली वेल एंड आई होप वाइल्ड कार्ड जीत जाए इस बार, यार अभी तक कोई वाइल्ड कार्ड आई थिंक जीता नहीं है। थोड़ा सा वो ऑफ लगा था, बट अली बहुत प्यार करता है उससे, इवन जैस्मिन डज इट, सो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, जिस दिन वो जब वो गई जैस्मिन और अली रोया था, मैंने वो एपिसोड देखा था, आई माई सेल्फ हैड टीयर्स इन माई आईज, मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स जब उस घर से कोई आपका
जो आपकी बैकबोन हो और आपका थ्रू आउट सपोर्ट बना हो एकदम से वो चला जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई नो व्हाट अली वाज गोइंग थ्रू बट आई होप अली विल देयर एंड आई होप दे गेट मैरिड आल्सो. राखी बहुत क्यूट लगती है मुझे फ्रेंकली, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा स्वीट है. एंड मैं उनके पर्सनल रियल लाइफ में भी जानता हूँ सो आई नो हाउ शी इज़. शी इज़ अ वेरी, वो हार्मलेस है, वो किसी का बुरा ऐसे जान के नहीं कर सकती. वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी बोलें करें, दैट इज़ राखी सावंत फॉर यू. बट ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं होता किसी को हर्ट करने का. सो आई थिंक शी इज़ अडोरेबल. बहुत ही ज़्यादा क्यों रूबीना को आपने क्यों समझा कि ये टफ कॉम्पिटिटर है? रूबीना वाज डूइंग रियली वेल यार स्टार्टिंग से, जितना भी देखा शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. उसके अपने घर के मुद्दे को लेकर उसके अपने उसकी खुद की ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं एंड शी टेक्स पार्ट इन ऑल द घर के जितने मुद्दे एक्टिविटी सब में शी टेक्स प्रॉपर पार्ट इन एंड आई थिंक शी इज़ ओवरऑल अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? वैलेंटाइंस रिलीज है गाना अगला, फिर एक मार्च में और है, फिर अप्रैल में और, अभी बैक टू बैक सॉन्ग्स हैं. सो आई एम जस्ट बिजी मेकिंग म्यूजिक राइट नाउ, नथिंग एल्स. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू. ओ इतार भी है तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये खिंच गया ना मेरे से कटोट जाएगी. आई थिंक सेकेंड मैच है, फर्स्ट मैच थोड़ा सा टाइट हो गया था, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट बट बहुत टाइट मैच था वो. राइट, चीज़ें लास्ट ओवर में से एक दो ओवर में चेंज हुई थी बट आई थिंक वी हैव लेफ्ट द रिजल्ट एट द बैक. पीछे छोड़ के नेक्स्ट मैच के लिए हम फोकस हैं और जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी जहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए था वी हैव बीन वर्किंग ऑन एंड अगेन ऐसा खेलेंगे जैसे आज फर्स्ट मैच खेल रहे हैं. फुल एक्साइटमेंट. ओके, और आपके कोई फेवरेट प्लेयर है और या इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट में हमेशा से मेरे फेवरेट प्लेयर एमएस रहे हैं धोनी. ऑल दो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट से, इनफैक्ट नॉट ऑल फॉर्मेट यस, बट ही इज स्टिल माय फेवरेट क्रिकेटर एमएस धोनी. ओके सर, बिग बॉस लोग काफी देख रहे हैं, लोग आप फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई फेवरेट है? नहीं, मैं बिग बॉस वैसे फॉलो नहीं करता हूँ. मेरी वाइफ बहुत फॉलो करती है बिग बॉस डेडिकेटेडली. बट यस, मेरा फ्रेंड अली, माय लवली डियर फ्रेंड अली, वो है उसमें. आई थिंक ही इज डूइंग रियली गुड, सो आई विश फाइनल तक जाए. इनफैक्ट वो बिग बॉस विनर बने. सो या, अली और जैस्मिन के बारे में काफी बात की जा रही, इमोशनल हुए थे उसको लेके. आप कुछ, आपने देखा वो एपिसोड अली और जैस्मिन? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट बिकॉज उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एपिसोड देखा नहीं और बाद में मैं देखा नहीं बिकॉज मैं इतना फॉलो नहीं किया था. बट यस, I've heard a lot and I saw the clippings of that thing. Very sad to see because Ali बहुत बुरी तरह breakdown हुआ था उसके. आपको लगता है दोनों शादी कर पाएंगे या Big Boss के लिए? I think ये उनका personal decision है. There are a lot of things that they will decide. Ali जब बाहर आएगा they will decide. जो भी चाहेंगे कि सब कुछ सही हो, but you never know. They have to decide it. They are the mature ones. Okay. Thank you sir so much. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. तो सबसे पहले सर कितने एक्साइटमेंट है सर, आप चेन्नई धोनी टीम क्या है, मतलब ये सर कितने एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है. दिल्ली के साथ हम लोग प्रीवियसली दो मैचेस खेल चुके हैं और कल हम हार चुके हैं अहमदाबाद के अगेंस्ट, तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत है कि हमें ये मैच जीतना है. और कितनी प्रिपरेशन किया सर आपने, मतलब? हमने काफ़ी एक्चुअली एज ए टीम हमने बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड किया हुआ है और नेट्स में बहुत प्रैक्टिस की है हमने. अब बस ये देखना है कि एज ए टीम हम कैसे मैच में साथ में, क्योंकि टीम का ये होता है कि अगर आपकी टीम एकाग्र है और आप साथ में जेल करते हैं एज यूनिट तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी बेटर हो जाती है. मेरे तो सब फेवरेट हैं बट आई रियली लाइक एम एस धोनी. आई थिंक इज बीन माई ऑल टाइम फेवरेट. सो उनका जो काम कामनेस है, उनका कंपोजर है और जैसे वो खेलते हैं, ही इज एन इंस्पिरेशन कंप्लीट. मैं बिग बॉस नहीं देखता. आई डोंट नो, मेरे को आई कैन से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है. आपके कोई फ्रेंड हैं? जी, इजाज़ हैं वहाँ पे. इजाज़ तो काफ़ी लोग बुरा भला कह रहे हैं सीनियर होने के, हम कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक गलत बात है, ऐसे किसी को कहना नहीं चाहिए. काफ़ी कुछ बोला है कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बिग बॉस का एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हो जाता है कि लोग अपने अच्छे बिहेवियर पर भी होते हैं और सबसे ख़राब बिहेवियर भी होते हैं.
आई एम श्योर आफ्टर ये शो खत्म होता है तो जाके अपोलॉजीज बहुत होती होंगी और वो सारी जो कहा सुनी वो सारी खत्म हो जाती होगी। कोई लोग गेम खेलते हैं जैसे एक गेम होता है, कोई लोग जेन्युइनली उनकी नेगेटिविटी निकल के आती है, बट आई थिंक यू व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, बट आई डोंट थिंक दोस्त एजाज के तो पवित्र हैं और एजाज का रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट अगर है तो अच्छी बात है एजाज के। आप कब जाएंगे बिग बॉस? पता नहीं, लेट्स सी, व्हेन आई एम रेडी आई थिंक सो देन। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज के लिए सबसे आज एक्चुअली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, उसके लिए तैयारी तो ऑलरेडी चल रही है, पीछे वी आर प्रैक्टिसिंग इन लॉट, सो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैच है बिकॉज ये हमें जीतना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट नाइट वी लॉस्ट एंड इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी शुड विन टुडे। ओके, और कितने प्रैक्टिस किया आज आपने? आज हमारी प्रैक्टिस एक्चुअली अभी स्टार्ट हुई है वहाँ पे, आई एम अ ओपनिंग बॉलर, सो अभी तक मुझे बोला नहीं है हमारे कोच सर ने कि आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू बी फ्री, वो चाहते हैं कि मैं एक्चुअली पिच पे ही जाके आई शुड गो इन बॉल, पहले मुझे ज़्यादा थकाते नहीं है वो, सो दैट्स गुड। सर बिग बॉस कितना निकले, कोई देख रहे हैं आप? नहीं देख रहा हूँ, मैंने लास्ट सीजन फॉलो किया था, बट ये सीजन मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं कंटिन्यूसली दो शोज कर रहा हूँ, सो इसीलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन तभी भी अगर कोई आपको कोई फ्रेंड्स दे रहे हैं, टेलीविजन के हर कोई फ्रेंड जाते ही रहते हैं? कोई नहीं है, सो सॉरी फॉर दिस, इट जस्ट आई हैव बीन टोल्ड दैट फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स दैट यू नो द गेम दे आर प्लेइंग इट्स काइंड ऑफ इमैच्योर एंड मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता क्या है, सो आई विल ट्राई टू वॉच इट एंड उसके बाद आई कैन गिव माई ओपिनियन। आप जाना पसंद करेंगे? बिग बॉस, या ऑफ कोर्स आई वुड लव इट एंड ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी तो वहीं जाके बनती है अगर आप जब गेम खेलते हो, या बिग बॉस के अंदर जाके ही बनती है जो भी है, सो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गो देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या क्या करने वाले हैं आप, टीम को किस तरह से चीयर अप कर रहे हैं आपके? चीयर अप भी अगर मैं ही करूँगा तो बाकी लोग क्या करेंगे यार, कप्तानी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, और जहाँ तक करने का सवाल है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों, कल का मैच खैर इतने समय के बाद सबकी किट्स खुले हैं, बहुत दिनों के बाद जो है खेल शुरू हुआ है, सो ऑब्वियसली थोड़े रस्टेड भी थे, एक हल्का था थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए होता है कभी कभी फील्ड पे उतरना, उससे पहले नर्वसनेस होती है लेकिन एक बार आप खेल ले तो फिर वो ऑब्वियसली योर नर्व्स टेंड टू सेटल डाउन, होपिंग कि आज द टीम विल परफॉर्म बेटर। कौन सी कप्तानी को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की, मतलब अगर कप्तानी को अगर हम देखें कौन से कप्तान को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कप्तानी में आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, वो आपकी जो टीम है और आपके पास जो प्लेयर्स हैं उसके हिसाब से आपको कप्तानी करनी होती है, कप्तानी का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है सेट, तो सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे मुनासिब डिसीजन हो वो आपको लेना होता है एंड दैट्स हाउ द गेम गोज। सर कितना प्रैक्टिस करा है आपने अपने टीम के साथ? नहीं, ये मेरा पहला मैच था कल जो मैंने खेला है, कॉम्पिटिटिव मैच इस सीज़न का, 4 साल हो गए क्रिकेट खेले हुए, लेकिन ये है कि मसल मेमोरी पे अभी खेल रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके वो जो सर अब उठने लगा है वो अपने आप नीचे जाना शुरू होगा, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी थोड़ा थोड़ा करके। और सर इसके अलावा अगर हम बात करें बिग बॉस काफ़ी चल रहा है, तो बिग बॉस आप देख रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड है बिग बॉस के अंदर? मैं बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। मैम कितने एक्साइटमेंट है आप सर आज कप्तानी करने वाले हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक वक्त था जब हम लोग लगातार सारे मैचेस में जाते थे, वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, और फिर कोरोना भाई साहब आ गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं उसके बाद आ रही हूँ कोई मैच देखने, सो आई एम वेरी थ्रिल्ड, सुपर थ्रिल्ड, आई ऑलवेज एंजॉय गोइंग, मुझे ज़्यादा क्रिकेट की समझ नहीं है लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है ना गेम की, और जिस तरह से लोग लगे होते हैं वहाँ फील्ड पे, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी, आई एंजॉय। सर आज कप्तानी वाली कर रहे हैं तो कुछ आपने टिप दी है? मेरी टिप्स ना लें तो ही बेहतर, मैं टिप्स विप्स नहीं देती, मैं सिर्फ इंश्योर करती हूँ कि हाँ भैया मैच है, आराम आराम करके जाएँ, ढंग से खा पी के जाएँ, अच्छा खेलें। घर के कप्तान कौन है, आप या सर? मैं। तो इसलिए तो मेरा टिप्स देना चाहिए आपको। हाँ तो घर पे कुछ करवाना हो तो बोल दो, बहुत टिप्स दूंगी और डांट डांट के दूंगी। और मैम आपको कोई फेवरेट प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम की जिसको आप फॉलो करती हो या क्रश हो कॉलेज समय में? हमारे टाइम पे तो सचिन तेंदुलकर ही थे भाई, तो क्रश वाले टाइम पे, पर अभी तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको वरुण की वजह से, और देवक मेरा बेटा है,
ये दोनों क्रिकेट प्राणी हैं हमारे घर के, तो इनकी वजह से मैं फॉलो करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई लाइक सो मेनी ऑफ देम. आई थिंक आई बेसिकली लाइक स्पोर्ट्स पीपल. स्पोर्ट्स पर्संस आर फॉरएवर माय क्रश. उनके जो मतलब खेलते हैं, जो लोग इतने फिट होते हैं, कोई सी अ स्पोर्ट्समैन इज अ स्पोर्ट्समैन. इट गोज बियॉन्ड जस्ट अ स्पोर्ट्स. देयर इज अ लॉट दैट इट टेक्स टू बी अ स्पोर्ट्समैन. सो आई जस्ट लाइक देम ऑल एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. मैम बिग बॉस काफी चल रहा है, आपके कोई फ्रेंड्स है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिग बॉस नहीं देखती. कोई फ्रेंड भी नहीं है बिग बॉस के अंदर? कोई नहीं है. अगर होगा तो भी मुझे पता नहीं होगा. क्यों? मैं देखती नहीं. नहीं देखती. कोई फ्रेंड नहीं है आपके? मुझे सच में नहीं पता. Okay. I really don't know. एजाज है, रुबीना है. हाँ, एजाज है ना. हाँ, he's a dear friend, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं तो क्या बोलूँ. Okay, okay, मुझे इतना पता है कि बहुत अच्छा बढ़िया इंसान है. बाकी आई डोंट नो. उनको काफी परेशान कर रहे हैं बिग बॉस में लोग. अरे बिग बॉस नहीं देखती मैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. उनको काफी परेशान. हाँ, पकड़ के लिए है एक्साइटमेंट. तो एक्साइटमेंट जो कल थी वो आज भी है. एंड कल हम लोग मैच हार गए थे एंड वी वेरी डिसअपॉइंटेड. बट इट्स अ न्यू डे, न्यू गेम. वी हैव टू फॉरगेट द लॉस एंड यू नो फोकस ऑन द प्रेजेंट डे. सो पूरी टीम रेडी है. बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी. मुझे भी जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए. बट आई एम होपिंग दैट वी डिफीट द दिल्ली टीम टुडे. एंड हमारी टीम, हमारे पास भी कोई पॉइंट्स हैं. एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. आपके कोई फेवरेट प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम में जिसको आप फॉलो करते हो? इंडियन क्रिकेट टीम में यार आई हैव ऑलवेज मेंशनड आई हैव अ स्पेशल लव फॉर विराट कोहली. एंड आई लव द वे ही अप्रोचेस हिज गेम. एंड माय मोस्ट फेवरेट सीनियर इज शिखर धवन. जस्ट बिकॉज यू नो ही इज अ ग्रेट ग्रेट बैट्समैन एंड मोर देन दैट ही इज अ ग्रेट सीनियर. बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी हैं, बहुत ही केयरिंग है वो. और अपने लिए, अपने जो जूनियर्स होते हैं उनके लिए हमेशा टाइम रखते हैं. ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. ओके सर, क्या शूट भी चल रहा है आपका टेलीविजन, और ये दोनों कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? सब मैनेज हो जाता है लाइफ के अंदर. बिकॉज ये मेरा प्यार है क्रिकेट. जो लोग मुझे जानते हैं कि जो लोग मुझे पहले से ही जानते हैं उनको पता है कि मैं क्रिकेट के लिए कितना पैशनेट हूँ, कितना प्यार करता हूँ इस स्पोर्ट से. सो मैं टाइम निकाल लेता हूँ. मेरी प्रोडक्शन टीम को भी मालूम है कि जहाँ क्रिकेट की बात आती है भाग जाएगा. बट मैं दोनों दिन शूट करके आया हूँ. काम बहुत ज़रूरी है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट डूइंग अ वेरी वेरी गुड शो. सो सुबह के 8-10 घंटे काम से सीधा शो, क्रिकेट 3 घंटे वापस काम. तो यही लाइफ है. इन दिनों बिग बॉस काफ़ी बर्स्ट कर रहा है, कोई फ्रेंड है? नो कॉमेंट सर, आई एम नॉट वॉचिंग बिग बॉस. थैंक यू. बात बात पर क्या मतलब? वही लोग मेरे को मिल रहे हैं. वही नहीं, तुमको तो मैं मिल आज पहला दिन है. हां, ये सबका पहला दिन है आज. तू मैं तो पहले से. सॉरी, तो मैं किसी और के साथ इनको ये कर लिया. नहीं नहीं, मेरे को आदत है ना कि मैं वेट नहीं तो एक टाइम पे ये भी करती थी. ये सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर, आपको आज मैच जीते हैं, काफ़ी बम्पर से जीते, कुछ कहना चाहेंगे? नथिंग, यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम्स परफॉर्मेंस. जिस तरह से हमने खेला है, जैसे हमने बैटिंग की थी, सामने वाली टीम को लगा था कि शिव अगर आउट हो जाता है तो फिर मैं हमारे पास बैटिंग लाइनअप नहीं है. लेकिन माई ऑल 7 बैट्समैन आर वेरी गुड बैट्समैन एंड एट दी एंड वही हुआ. आखिरी में दक्ष ने कुछ छक्के मार के हमें 115 तक पहुंचा दिया. और एट प्रेजेंट जो ग्राउंड की सिचुएशन और जो पिच है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम टू चेज 115 बिकॉज इतना आसान नहीं है. ये पिच बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है. एंड जब वो ट्वाइलाइट रहता है, स्पेशली जब क्या कहते हैं सूरज डूबता रहता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर द बैट्समैन टू फोकस. एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम्स परफॉर्मेंस. सर, कितनी तैयारी की थी आपने, प्रैक्टिस कितना करवाया था आपने टीम? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे और सब ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था प्रैक्टिस पे और बहुत अच्छा यू नो मेहनत की थी. और जब यू नो टीम जब साथ में रहती है, फोकस रहती है, तभी कुछ ऐसा हो पाता है. ओके सर, आगे की क्या प्लानिंग है, कितना आगे? तो अभी कल हमारी मैच दिल्ली के साथ है. अब दिल्ली वापस खेल रही है अभी चेन्नई के साथ. तो हमारा पूरा फोकस अभी रहेगा कि दिल्ली के कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें स्टडी करेंगे और कल फन में उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी लेकर आ जाएंगे. ओके सर, इसके अलावा बिग बॉस आप देख रहे हैं, आप काफ़ी अब तो ने मेन जो सवाल पूछने के लिए तो यहाँ तक आया था वो पूछ रहा है. हाँ बताओ. हाँ, मैंने लास्ट दो तीन एपिसोड मिस कर दिए हैं, लेकिन बाकी मैं ऑन एंड ऑफ देखते रहता हूँ. कौन है आपके फेवरेट, कोई तो बता? यार मेरे फेवरेट दिल से तो मेरे लिए यू नो अली ही रहेंगे, बिकॉज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा इंसान है. सो ऑफ कोर्स यू नो मैं क्या कहते हैं अली को ही सपोर्ट करना चाहूँगा.
अली काफी इमोशनल हो गया था, वो शो देखा था आपने एपिसोड, यस, तो कुछ बताना चाहिए और जैस्मिन और अली की ऐसे या बड़े कम लोग रहते जो यू नो आदमी लोग क्या है, लड़कियां फिर भी रो लेती है, आदमी है ना बहुत एकदम अपना ये जो आंसू है ना वो आखिरी तक रोक के रखता है, एंड बहुत रेयरली आपको ऐसे मर्द मिलेंगे जो अपने इमोशंस इतने ना ओपनली दिखा सके, लाइक आई एम नॉट दैट पर्सन, या फिर शायद मैं मतलब यू नो वो सिचुएशन ऐसा हो जाता, लेकिन मैं कभी ऐसा यू नो इमोशनल नहीं हो पाता हूँ, अंदर से बहुत होऊंगा लेकिन मैं कभी दिखा नहीं पाता, लेकिन यू नो द अगर एक लड़का आप किसी लड़की के लिए रोता है भाई, सीधा हाथ पकड़ उसका और मंडप पे लेके जा, क्योंकि वो आपके लिए वो बंदा सबसे बेस्ट बंदा होगा, वो जो मतलब शादी हो जाएगी आपको क्या लगता है? अब देखो वो तो उनका कॉल है भाई, हम काई को आप तो अच्छे दोस्त है, राय तो दे सकते ना आप, हाँ राय तो देखिए मैं राय दे सकता हूँ, लेकिन मेरे राय के बाद रायता कुछ फैल गया तो फिर मेरे ऊपर ही ब्लेम आ जाएगा, तो मैं अभी यू नो अंदर की बात कुछ और रहती है, यू नो वो वापस आएंगे एंड देन यू नो आप इसमें बात करेंगे, वो डिसाइड करेंगे ना, लेकिन मैं तो रेडी हूँ भाई उनकी शादी में यू नो संगीत में परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।